की शुरुआत फिर से। और अभी मैं यहाँ वियना से जा रहा हूँ ब्रातिस्लावा, जो कि स्लोवाकिया की कैपिटल है। बस में तकरीबन 1 घंटे 30 मिनट का ये सफ़र रहेगा और टिकट आई है 320 रुपये में। तो अभी मैं जा रहा हूँ बस स्टॉप, और रास्ते में खाने के लिए मैंने ले लिए हैं वेज समोसे अपने अफगानी भाई से, और फिर से मुझे मिला डिस्काउंट। अभी मुझे ट्रैम पकड़नी है और फिर वहाँ से एक दूसरी ट्रैम चेंज करके फिर बस स्टॉप, बिकॉज बस स्टॉप यहाँ से तकरीबन 6.5-7 किलोमीटर दूर है। सो 1.5 घंटे की छोटी सी जर्नी होने वाली है, 80 किलोमीटर का सफ़र रहेगा। और ट्रेन्स भी यहाँ पे जाती है, ट्रेन के थोड़े चार्जेस ज़्यादा है, वो 1 घंटा लेती है। लेकिन मैं जा रहा हूँ अपनी मोस्ट फेवरेट रीजन जेट बस में, जिसमें मैंने ट्रैवल किया था रोटरडैम से प्राग। बस स्टॉप है वियना सेंट्रल के बड़े से ट्रेन स्टेशन के पास, और ढूंढना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने भी पूछ के ढूंढ रहा हूँ अभी। अच्छा हुआ टाइम निकाल के, अगर आप भी बस से ट्रेवल कर रहे हैं तो प्लीज़ टाइम निकाल के ही आइए यहाँ पे, एटलीस्ट वियना में, बिकॉज आपको जो भी ट्रैम, बस या मेट्रो है, सारी ये ट्रेन स्टेशन के पास ही उतारेगी, और फिर यहाँ से आपको ढूंढना पड़ेगा। आई थिंक स्टेशन को क्रॉस करने के बाद आ गया है बस टर्मिनल्स बड़े। ज़बरदस्त धूप खिली हुई है, टेम्परेचर है 15 डिग्री। पहली बार मेरे इस ट्रिप पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर में फील कर रहा हूँ। सर्दी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। अब वियना में अब की बार सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ी, कल एक सज्जन बता रहे थे कि बर्फ़ भी मुश्किल से एक बार ही गिरी, रात को गिरी और सुबह ख़त्म बस। और गर्मियों में आजकल टेम्परेचर यहाँ का 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और रीजन जेट के बस स्टॉप वो राह दिख रही है, पीली पीली बसें, लग्जरियस बसें। और 320 रुपये में 1.5 घंटे की जर्नी बुरी नहीं है बिल्कुल भी। और रीजन जेट की बस अगर इनकी वेबसाइट से आप बुकिंग करते हैं तो ऑप्शन रहता है सीट चूज़ करने का फ्री ऑफ कॉस्ट। हालांकि ऑलमोस्ट बसेज में यहाँ फ्री सीटिंग होती है, और कुछ बस कंपनियों में होती है कि आप पहले चूज़ कर सकते हैं। और फ्लिक्स बस में कुछ सीटें फ्री होती है और कुछ सीटों के आपको चार्ज देने पड़ते हैं, बट रीजन जेट में सारी बसें फ्री, सारी सीटें फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कोई भी चूज़ करें अवेलेबल, जो भी अवेलेबल हो। और यहाँ पर थोड़ी ध्यान से कीजिए जहाँ से ट्रैम जा रही हो, क्योंकि वो अगर आप पे चढ़ गई तो फिर बचना मुश्किल है। और ये बस मुझे पहुँचाने वाली है वियना ऑस्ट्रिया से ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया, लगभग 1.5 घंटे की जर्नी होने वाली है। एक्चुअली रीजन जेट बसों में आपको पासपोर्ट दिखाना मैंडेटरी होता है, हालांकि और भी बाकी बसेज हैं लेकिन वो कभी देख लेते हैं कभी नहीं देखते हैं, बट इसमें मैंडेटरी है, आईडी कार्ड नहीं चलता। अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो तो आपको अपना पासपोर्ट दिखाना मैंडेटरी है, ज़रूरी है, जो कि ऑब्वियसली अगर आप इंडिया से हैं और आप टूरिस्ट वीज़ा पे घूम रहे हैं तो पासपोर्ट तो बिल्कुल आपके साथ होना ही है। तो ये लो भैया जी, विंडो सीट मिल गई है। एक्चुअली मैंने पहले ले ली थी और बिल्कुल बैठा हूँ ड्राइवर और बस जर्नी अब स्टार्ट होने वाली है। 1.5 घंटे का सफ़र, 80 किलोमीटर तय करने हैं, और एक कंट्री से दूसरी कंट्री यानी कि ऑस्ट्रिया से स्लोवाकिया, और स्लोवाकिया की कैपिटल ब्रातिस्लावा। सो रीजन जेट की बसों में जो कॉम्प्लीमेंट्री हॉट ड्रिंक्स मिलती है वो मैंने ले ली है। इसमें टी, कॉफ़ी, कैपेचिनो और हॉट चॉकलेट का ऑप्शन था, और साथ में अपने अफगानी भाई के द्वारा दिए गए वेज समोसे मज़े लिए जा रहे हैं।
लगभग 1.5 घंटे की बस जर्नी के बाद मैं पहुंच चुका हूं स्लोवाकिया की कैपिटल ब्रातिस्लावा में, और यहां की करेंसी है यूरो और लोकल लैंग्वेज है स्लोवाक इंग्लिश, यहां के लोग कम ही बोलते हैं। और मेरे पीछे देख रहे हैं यह ब्रातिस्लावा का बस स्टेशन। बस की जर्नी बिल्कुल स्मूथ रही, रीजन जेट की बस थी। अगर आप इसका पूरा रिव्यू देखना चाहते हैं तो मैंने अपने रोटरडैम टू प्राग वाली वीडियो में इस बस का जो रीजन जेट की है पूरा रिव्यू दिया हुआ है, तो अगर आप पूरा जानना चाहते हैं तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्टल। हॉस्टल तकरीबन 1 किलोमीटर बाई वॉक है यहाँ से, तो पैदल जाने में ज़्यादा बेटर है। और हॉस्टल मुझे पड़ रहा है 600 रुपीज़ पर नाइट। सो मैं अपने हॉस्टल पहुँच चुका हूँ, बिल्कुल ये सिटी सेंटर में है। और इधर पास में ही आते आते मैंने देखा एक थाली करके प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी था, विच इज़ वेरी गुड। सो हॉस्टल में चेक इन करने के बाद मैं आ गए हैं अपने रूम में, और ये 2 बेड्स इधर है और 2 बेड्स उधर है, और उधर है लॉकर्स और उनके लॉक है फ्री ऑफ कॉस्ट। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, मेहरबानी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कर लिया है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, और दुआ में याद रखिए।